हाय एवरीवन, आई एम प्रगति। आज हम सीखने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। वर्ब के उस रूप को वॉइस कहते हैं जिससे यह स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट कार्य करता है या उसके लिए कुछ किया जाता है। गोपाल लव्स सीता, तो ये सब एक्टिव वॉइस है। सीता इज लव्ड बाय गोपाल, तो ये पैसिव वॉइस है। क्रियात्मक रूप में इन दोनों वाक्यों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, परंतु वाक्य नंबर 1 गोपाल लव्स सीता में सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है, यानी जो गोपाल है वो सीता से लव करता है, यानी गोपाल काम कर रहा है, गोपाल सब्जेक्ट है इसमें। और दूसरे बाकी नंबर 2 है सीता इज लव्ड बाय गोपाल, यानी सब्जेक्ट के लिए या सब्जेक्ट को कुछ किया गया है, है ना। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, पता है आपको, और दोनों का एग्जांपल भी मैंने बताया। अभी हम समझते हैं, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट क्रिया को करने वाला हो तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस में करने वाले की प्रधानता होती है। हम लोग बोलने और लिखने में ज़्यादातर एक्टिव वॉइस का ही प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए निम्न वाक्यों को देखिए, राधा इज रीडिंग अ बुक, राधा किताब पढ़ रही है, तो इसमें राधा सब्जेक्ट है और राधा के द्वारा ही बुक पढ़ा जा रहा है ना। राधा बुक पढ़ रही है तो इसमें काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। मोहन रोट अ लेटर, तो मोहन सब्जेक्ट है और पत्र उसने लिखा है, पैसिव वॉइस। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट क्रिया को करने वाली नहीं है बल्कि कोई ऑब्जेक्ट है तो वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है, यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। एग्जाम्पल, अ बुक इज बीइंग रीड बाई राधा, बुक किसके द्वारा पढ़ा जाता है, राधा के द्वारा, यानी ऑब्जेक्ट में यहाँ पे राधा है, सब्जेक्ट क्या है, बुक। अ बुक इज बीइंग रीड बाई राधा, किताब राधा के द्वारा पढ़ा जा रहा है ना। अ लेटर वाज रिटन बाई मोहन, तो यहाँ पे लेटर सब्जेक्ट बन गया है, लेटर यहाँ पे सब्जेक्ट है और मोहन क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का सामान्य फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट और उसके बाद टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और उसके पश्चात मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब जो भी जिस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब आपने यूज करना है। जैसे इसमें समझते हैं कि अ बुक इज, तो उसमें इज लगा हुआ था, जिसमें इज लगा रहता है तो उसके साथ बीइंग, है ना, और सब में थर्ड फॉर्म लगेगा। पैसिव वॉइस में जो भी वर्ब है तो वर्ब सबका थर्ड फॉर्म ही होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक दूसरे से बदलाव। रूल नंबर 1, वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और सब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं। एग्जाम्पल आइए समझते हैं। एक्टिव, राधा लव कृष्णा, राधा लव्स कृष्णा। पैसिव वॉइस, कृष्णा इज लव बाई राधा, तो जिसमें प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो उसका जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उसमें इज हम यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म तो सब में यूज होगा। एक्टिव वॉइस, अमित बीट्स मोहन। पैसिव वॉइस,
मोहन इज बीटन बाय अमित। रूल नंबर टू, वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव फ्रेसेस उनसे अलग नहीं करते हैं, उनको अपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ ही रहने देते हैं, है ना। रूल नंबर थ्री, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में आए हुए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदल देते हैं, जैसे मी के स्थान पर आई, अस के स्थान पर वी, हिम के स्थान पर ही, हर के स्थान पर सी, देम के स्थान पर दे, लेकिन यू और इट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।